हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग लेकर के आई हूँ। ये मैंने 2 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न ये बनाया हुआ है। तो फ्रंट में हमने राउंड नेक शेप रखा है, वहीं बैक साइड में ना बहुत ही प्यारा सा अंग रखा। पैटर्न में हमने ये फ्रॉक बना के कम्प्लीट किया हुआ है और ये मैंने स्पेशली क्रिसमस स्पेशल बनाया हुआ है। आप भी चाहे तो ये फ्रॉक बना करके कम्प्लीट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे मैंने आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी ना तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी फ्रॉक की मेजरमेंट है और फ्रॉक का टॉप को कम्प्लीट करने के लिए ना मैं यहाँ पर अस्तर का यूज़ करने वाली हूँ। सैंतून में मैं अस्तर ली हुई हूँ और एक ही पीस रखा है सिर्फ, अभी फ्रंट के लिए रखा हुआ है हमने अस्तर को। यहाँ लेंथ वाइज हमने इसे 10 इंचेस रखा है, 1 इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, टॉप हमारा बन के रेडी होगा 9 इंच का। और इसे ना अभी हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मार्क करना है शोल्डर का, शोल्डर हमें मार्क करना है 5 इंच का और यहीं से आर्म होल के लिए हम इसे बढ़ाएंगे 5.5 इंच तक। इस तरह से एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। इसके बाद फिटिंग के लिए जितना आपका वेस्ट और बस्ट है ना उससे आप 4 से डिवाइड कीजिए और जितना आएगा यहाँ मार्क कर लीजिए। तो मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और एक्स्ट्रा मार्जिन बस 1 इंच का रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हो। नेक विथ हमें 2 इंच रखना है और फ्रंट नेक ना हम यहाँ पर 4 इंच रखने वाले हैं। इस तरह से मार्किंग करना है और यहाँ पर नेक पर हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का मार्किंग हो चुका है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। और बैक साइड को हम अंगरखा पैटर्न में कट करने वाले हैं, इसलिए बैक को अभी हमने कट नहीं किया है। अब अस्तर को हमें लेना है और जितना हमने फ्रंट के लिए अस्तर लिया था ना उससे हमने 3.5 इंच से ज़्यादा लिया हुआ है। इसे भी हम 2 फोल्ड करेंगे और एक साइड पर ना हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैठाएंगे। जिस साइड पर नेक है ना उस साइड पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। साइड में जो 3.5 इंच का मार्जिन है ना बैक का, वो मैंने यहाँ रख लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन पे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और जो आर्म होल है उसे हम एग्जैक्ट वैसे ही कट कर लेंगे, बस हमने नेक विड्थ जो है वो हमने मार्क कर लिया है। तो ये कटिंग हमने कर ली है, अब हमें क्या करना है, फ्रंट को हटा लेना है और जो हमने नेक की मार्किंग की है ना वही नेक को हमें इस तरह से तिरछा करते हुए नीचे तक इस तरह से मिला लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने अस्तर पे फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने ये वाला फैब्रिक 1/2 मीटर लिया है जिसे हम टॉप के लिए कट करेंगे। ये देखिए मैंने इसे टॉप पे बैठा करके कट कर लिया है और अब हम टॉप को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये मेन फैब्रिक है ना उसे सीधे साइड पे रखना है और इसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे इस तरह से। और नेक और आर्म होल की हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है, तो इसे अच्छे से सेट कर लीजिए और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें नेक की और आर्म होल दोनों की सिलाई करनी है। सो एक आर्म होल को इस तरह से सिलाई कर ली, दूसरी आर्म होल को भी हमें इसी तरह से सिल लेना है। और जो भी हमारा मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और नेक और आर्म होल पे हमें इस तरह से छोटी छोटी कट लगानी है और फिर इसे भी हमने सीधा करके रख लेते हैं। अभी इस पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं करनी है, बस ऐसे ही इसे रेडी करना है। सेम इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। सो जो हमने अंगरखा पैटर्न कट किया था ना उसे भी हम एक बार सेट कर लेते हैं। सीधे साइड को हमें अपने तरफ रखना है और इसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से सेट करेंगे और सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से सेट करके आर्म होल की सिलाई करते हैं और फिर उसके बाद हमें नेक की सिलाई करनी है। आर्म होल की सिलाई तो हमने कर ली इसे सेट करके, अब यहाँ पर हमें नेक की सिलाई कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके इस पर भी हम ना कट लगा लेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल और नेक पे कट लगाया था ना। और इसके बाद हम इसे सीधे साइड पे पलट लेंगे। सो इस तरह से इसे पलटने के बाद अब हम बैक और फ्रंट को मिला करके यहाँ पे सिलाई करेंगे।
फ्रंट पार्ट हमने सीधा किया था ना, इसे वापस से हमें उल्टा करना है और दोनों के शोल्डर को हमें इस तरह से मिलाना है, ठीक है, सीधे साइड पे, और इसे पलट लेंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से सेट करेंगे और फिर शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले शोल्डर की भी सिलाई कर लेनी है। सो दोनों शोल्डर की हमने सिलाई कर ली है और सीधे साइड से ये देखिए सिलाई हमारा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, काफ़ी फिनिशिंग आया है। अब हम ना पूरे पे अच्छे से इसे सिलाई करके अस्तर और मेन फैब्रिक को बैठा लेंगे। इस तरह से हमें इसे पूरे में सिलाई कर लेनी है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरे को अच्छे से सिल लिया है। अब अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसमें फिटिंग दे देंगे। इस तरह से इसमें अच्छे से फ्रंट और बैक को मिलाना है और फिटिंग की सिलाई दे देनी है। सो दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे दी है। अब इसे सीधे साइड पे इस तरह से पलटेंगे, अच्छे से एक बार सेट कर लेंगे, साइड की जो सिलाई है ना फिटिंग की वो अच्छे से बैठाएंगे और हमारा जो अंगरखा पैटर्न है एक पे एक ओवरलैप होगा, इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे ना एक पिन लगा करके इस तरह से, और फिर ना यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे नीचे से सिल करके। तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है और हमारा जो फ्रॉक का टॉप पार्ट है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसकी बॉटम पार्ट को रेडी करते हैं। तो बॉटम के लिए हमने रेड कलर का रेयन फैब्रिक लिया हुआ है और इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ पे 13 इंच का ली हुई हूँ और टोटल जो चौड़ाई है एक पीस का 30 इंचेस करके है। सो अभी हमें ना दोनों साइड को, मतलब दो पीसेस में है ये और एक साइड से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इसमें हम प्लीट्स रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लीट्स रेडी करूँगी। जितना हमारा फ्रॉक का जो गोलाई है ना फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम प्लीट्स रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने प्लीट्स रेडी कर ली और एक बार हम इसमें मिला करके देखेंगे कि बराबर है या नहीं। तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो दूसरे साइड से भी ना इसे हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे उल्टे साइड पे करके। सो दूसरे साइड पे भी हमने इसमें सिलाई कर लिया है और अब हम इसे अपने टॉप पार्ट के साथ मिला करके सिलेंगे। तो इस तरह से हमें टॉप को इसके अंदर डालना है और दोनों को मिलाना है इस तरह से, और इसके बाद ना हम इसमें सिलाई कर लेंगे। सो अच्छे से बैठाते हुए पूरी गुलाई पे हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे गुलाई पे सिलाई कर लिया है और एंड में हमें फ्रॉक का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, मीन्स ये वाला, उसे हमें फोल्ड करके सिलना है। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर ले और पूरे नीचे पे हमें सिलाई कर लेनी है।
सो यहाँ हमने पूरे में सिलाई कर लिया और हमारा यहाँ पे फ्रॉक बन के रेडी है। इसमें मैंने एक प्यारा सा बो बना के लगाया हुआ है। बो का वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं किया, मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है जिसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दे रही हूँ, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये फ्रॉक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बैक का जो अंगरखा पैटर्न हमने डाला है ना, यहाँ पे आप जो सेंटर है नेक का, यहाँ पे एक आप हुक लगा लीजिए तो ताकि आपका नेक अच्छे से बैठा हुआ रहे। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।